हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया चमकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। एलियंस के बारे में जहां हमें काफी ज्यादा नई नई कहानियां हमेशा सुनने को मिलती है, ऐसी कहानी में वाकई में कितनी सच्चाई है ये बात तो कोई भी नहीं जानता। जहां हर आए दिन किसी ना किसी न्यूज चैनल पर एलियंस के बारे में कोई ना कोई नई कहानी दिखाई जाती है, तो वहीं हर कोई मानता भी नहीं है कि एलियंस वाकई में होते भी हैं या फिर नहीं। लेकिन कई बार एलियंस ने ना ये साबित किया है कि वाकई में वो हमारी धरती पर आए हैं। और कुछ लोगों ने ही नहीं बल्कि कभी कभी पूरे शहर वालों ने ऐसे एलियंस के बारे में सुना है और ऐसा बोलते हैं एलियंस को देखा भी है। कुछ ऐसा ही हुआ था दरअसल 1968 में एक समर कैंप में, जब दो जवान लड़के जो कि हाई स्कूल में पढ़ते थे एक साथ कैंप में काम कर रहे थे। उन्हें लगा था कि ये समर कैंप ना उनके लिए काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वाकई में ये समर कैंप उनके लिए जिंदगी भर यादगार रहेगा। दरअसल एक समय उन्हें काम करते हुए ना एक रात को किडनैप कर लिया गया। इन दोनों लड़कों को एलियंस ने अगवा कर लिया था, और ये ही नहीं, ये एलियंस एक UFO में इन दोनों को लेकर गए। ये एलियंस जिन्होंने इन्हें अगवा किया था, इनके ना तो कोई कान थे ना ही इनके कोई होंठ थे, और इनके हाथों के बीच भी ना कोई गैप नहीं था, यानी कि इनके जो हाथ थे वो बतख जैसे थे। जैसे ही ये दोनों लड़के वापस आए और इन्होंने अपने आप को सही सलामत पाया, तो उन्होंने अपने घर वालों को और उस समर कैंप में और भी कई लोगों को ये बताया कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। शुरुआत में तो किसी ने उनका कहा नहीं माना, और मानेंगे भी क्यों। लेकिन कुछ समय के बाद पुलिस ने वहां पर आकर कुछ सैंपल लिए, और जिन लोगों को अभी तक इस किडनैपिंग के बारे में कोई खबर नहीं थी ना, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। उसमें से कई लोगों ने ये बताया कि उन्होंने भी ऐसे एलियंस को देखा है जिनके कोई कान और होंठ नहीं है। धीरे धीरे जब अलग अलग लोगों ने सेम डिस्क्रिप्शन दी इन एलियंस की, तो पुलिस को लगने लगा कि क्या वाकई में एलियंस ने ही इन दोनों लड़कों को किडनैप किया है। हालांकि कुछ समय बाद इस केस को बंद कर दिया गया क्योंकि इसमें ना सबूतों की कमी थी। लेकिन अगर इन दोनों लड़कों को माना जाए तो वाकई में एलियंस होते हैं, और ये एलियंस धरती पर आते जाते रहते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या क्रश 4 में भी ऐसी ही कोई कहानी देखने को मिल सकती है हमें? ऐसी कहानियां ना हमें बहुत देखने को मिलती है, और इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी जोश और एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। अब जब ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी तो क्या धमाल होगा, ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। मैं तो इस फिल्म को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।